इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हनुमान जी अति लघु रूप धरे हनुमाना पैठान नगर सुमिर भगवाना, भगवान के नाम का श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय, ये विजय मंत्र है। समर्थ स्वामी रामदास जी ने हिंदू पदपाद शाही के प्रथम सम्राट श्रद्धेय शिवाजी को भेंट किया था। कोई भी कार्य करो, जय भवानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय, ये क्या है? विजय मंत्र है। श्री राम जय राम जय जय राम गाते हुए चलते रहिए, दोष रहित रहिए। हनुमान जी प्रवेश किए, मंदिर मंदिर क्यों गए ये बताइए? भगत जी किसी नगर में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग पहले जब कथा निश्चय करने जाते थे तो पता लगाते थे, वहाँ मंदिर के पुजारी जी से मिलते थे, महंत जी से मिलते थे, फिर वो बताते थे इस नगर में अमुक भगत हैं उनसे मिलिए और आपकी राम कथा कराएंगे। पहले मिले कराते थे। अरे श्री हनुमान जी ने देखा मंदिराकार, रावण ने छलावा करने के लिए सारे नगर के परकोटों का आकार कैसा मंदिराकार बना रखा है। श्री हनुमान जी जाके देखे, अरे मंदिरों में तो ओ कहीं मैं समानुष देन कल अज कल निजाचर। अब हनुमान जी ने देखा रावण तो सो रहा है, जय जय सीताराम, माता जी दिखी नहीं। बाहर निकलते एक भवन एक पुण्य दीख, एक घर दिखाई पड़ा जहां भगवान का मंदिर अलग है, राम धनुष बाण बने हैं, राम नाम अंकित है, ओंकार शब्द से विभूषित है। हनुमान जी महाराज रामायुध अंकित गृह शोभा पर दिन जाय नव तुलसी का वृंद देख हर। आप भगत लोग दुखी बहुत रहते हैं, काहे झूठे। एक बात और आपसे निवेदन करता हूं, भगत लोग अपने को तो विभीषण बताते हैं और पूरे परिवार को लंका वाला बताते हैं, इससे जरा बाहर निकलिए। हम सबसे अच्छे हैं ये भी एक बड़ा दुर्गुण है, हमसे अच्छा कोई नहीं इसी में छिपा है कि से सब हमसे बुरे हैं। सभी बुरे लोग इकट्ठा होकर हमारी अच्छाई को डाल देंगे पानी में, इसलिए भगत को छिप के रहना है और परिवार में जो कोई भी है सबको भगवान के भजन में लगाना है। यदि हम निंदा करेंगे तो कोई मेरा साथ देगा भजन में? अकेले नहीं ना मजीरा बजा करके कीर्तन करेंगे आप, इसलिए सबकी प्रशंसा करते हुए सबको भगवान में लगाने का प्रयास भगत को करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। पूरा परिवार आपके रहते, अरे मेरे बप्पा मेरे दद्दा मेरे ताऊ भजन करते थे, हम लोग भी साथ साथ करते थे, इसका अभ्यास करें। श्री हनुमान जी ने विचार करना प्रारंभ किया, लंका निशाचरी नगरी है, यहाँ सज्जन का घर कैसे? सज्जन कैसे? अरे देखो भैया, सज्जन भगत आलू पूरी दुनिया में जहां जाइएगा वहीं मिलेगा। आलू न मिले तो हम लोग व्रत वाले एकादशी को खावे क्या? तो बेचारा सब जगह कृपा करता है। स्वदेश से बाहर भी हम लोग जाते हैं तो वहां भी कोई ना कोई भगत जी मिल ही जाते हैं। अरे रे 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 रे, आप बड़ी कृपा किए। हाँ ऐसे मिल जाते हैं। अमेरिका में तो एक परिवार ऐसा है, उस परिवार का नाम है श्री राम परिवार, डॉक्टर भजन का जी। ओ राम परिवार, पांच भाइयों का परिवार, संध्या और प्रभात में आरती करके सब अपने काम पर जाते हैं। उनके घर में प्रसाद थे, जब हम लोग गए बेटा बहू बच्चे सब भात पांव धोकर खिलाते नजर। अरे मैंने पूछा मुकेश भाई ये क्या? महाराज श्री ये अमेरिका का इस मेम्फिस शहर का राम परिवार है।
डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। ऐसा नहीं कि भगत यही मिलते हैं, भगत पूरी दुनिया में। आप चलते जाओ, भगत को किसी को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, आप जिधर जाइएगा उधर ही पाइएगा। भगत जी सब जगह मिलते हैं। हनुमान जी तर्क करने लगे, देखिए मिलाते भगवान है। लंका निश्चरण कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तर्क करें कपि, ठीक ते ही समय। और सोकर उठिए तो भगवान के नाम का जप करिए, श्री राम जय राम, साधु है, साधु है, साधु है। हनुमान जी सोच रहे हैं इनसे हद पूर्वक परिचय बनाऊंगा, क्योंकि साधु है, हानि नहीं होगी। फिर हनुमान जी विप्र रूप धारण किए और फिर भगवान के नाम का राम जय राम। हनुमान जी तर्क कर रहे हैं, इतने में भैया विभीषण जी जग गए, विभीषण जी जग गए, श्री राम जय राम, राम राम का स्मरण करते हैं। हनुमान जी पहचान गए, ये तो साधु है, सज्जन है, हमारा भाई है। हनुमान जी ने भी विप्रूप धारण करके श्री राम, जय जय राम। विभीषण जी का तो दिमाग में मथवे घूम गया, लंका में निर्भय होकर श्री राम जय राम जय जय, अरे राम जी का नाम लेने से तो जो करना है सब कट डालता है रावण। आप चरित्र देखिएगा रावण का, कभी भी अपने मुख से राम जी को रावण ने राम नहीं कहा, तपस्वी का नाम मतलब राम नहीं कहता है। क्यों? शत्रु मानता है ना। लेकिन आश्चर्य, बाबा कहते हैं यहो भक्ति है। कौन? अनक। एक हमारा पता है, आपने सुना होगा, कई लाखों तर गए हैं तेरा नाम जपते, कई लाखों तर बाली भी तर गया है, सुग्रीव भी बाली भी तर गया है, सुग्रीव भी तरा है। रावण तो तर गया था, रावण तो तर गया था, संग्राम करते कई लाखों तर। अरे भगवान ने जैसे ही बाण मारा, कल दर्शन करेंगे हम, तास तेज समान प्रभु आनंद, तास तेज प्रभु बदन समाना, कुंभकर्ण रावण दोनों परमात्मा में प्रवेश। चलते समय राम नाम लिया। विभीषण जी को आश्चर्य हुआ, लंका में प्रभु का नाम। शीघ्रता से हाथ पांव धोकर और आए, प्रणाम की, करी प्रणाम, पूछी हे तात आप कौन हैं, मेरे प्रभु अथवा कोई और? श्री हनुमान जी अपना परिचय नहीं दे रहे। तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन।
श्री हनुमान जी ने यहाँ तक हुई श्री राम कथा सुनाई, सुनकर दोनों लोगों की रोमावली खड़ी हो गई। क्यों? प्रभु समुद्र के उस पार आ गए हैं। अब कितना आनंद, कितनी प्रसन्नता, कहने में नहीं आती। श्री हनुमान जी महाराज को पाकर भक्तराज विभीषण गदगद हो गए, हर्षित हो गए, कहने लगे, हे हनुमान जी, आपको पाकर, आपके दर्शन पाकर अब मुझे भरोसा हो गया कि भगवान का दर्शन अब होगा, अवश्य होगा। अब मुहि भा भरोसा हनुमन, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं सम, जो रघुबीर अनुग्रह तो तुम मोहि तरस हटि। विभीषण जी को तो हनुमान जी जब मिले तब भरोसा हुआ। आपसे मेरी प्रार्थना है, सर्वकाल भरोसे में रहिए, भगवान का दर्शन होगा, भगवान कृपा करेंगे, मिलेंगे ही, मिले मिलाए ही हैं। हनुमान जी महाराज का ये मंत्र स्मरण रखिएगा। क्या सुनहु विभीषण प्रभु रीति करहिं सदा, मंत्र है कंठ में रहे, कहो कवन जी। भगवान की रीति माने विधि, नियम, व्यवहार समझिए। भगवान का क्या व्यवहार है? सेवक पर प्रेम रखते हैं। हम और आप कोई भी सेवा करें, कोई भी मंदिर का झाड़ू पोछा करें, मंदिर के पारखत सेवा करें, पुष्प ले आएं, बेलपत्र ले आएं, दूध जुटाएं, जल भरें, जल से स्नान करवाएं, धोएं, सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। मित्रों, माताओं, भगवान सब देखते हैं। जैसे जीव सेवा के फल को रोक नहीं सकता, वैसे जगदीश भी सेवा के फल को तत्काल प्रदान करते हैं। भरोसा रखो, चाहिए नहीं मिलेगा। क्यों? हनुमान जी ने अपना प्रमाण दिया। असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, इन्हें कृपा सुमिरि मैं ऐसे कपि कुल में जन्म लिया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।